हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होमवर्क डिस्कशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन लेक्चर 1। तो होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन ए बी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन ए बी। मुझे आशा है कि आपने होमवर्क किया होगा, तभी डिस्कशन करने का मज़ा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर A1 में, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पी, फॉलोज द पाथ एज शोन इन द फिगर, फाइनली कार स्टॉप्स एट आर, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दैट एंड आर इज इक्वल टू इट इज। तो डिस्टेंस A1 क्वेश्चन में, यार ये सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस डिस्टेंस हो जाएगी ए प्लस 2 पाई आर होता है पूरी सर्कल का सर्कमफेरेंस, तो पाई इंटू 2 आर प्लस बी प्लस पाई इंटू सॉरी पाई आर प्लस पाई इंटू 2 आर, ये हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए प्लस 6 आर प्लस बी, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ए टू। अ मैन मूव्स टू गो 50 मीटर ड्यू साउथ, 40 मीटर ड्यू वेस्ट एंड 20 मीटर ड्यू नॉर्थ। 50 मीटर ऐसे जाता है, 40 मीटर ऐसे जाता है, 20 मीटर ऐसे जाता है। 50, 40 और 20, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये बचा 30। डिस्टेंस तो इसको ऐड कर दो 110 और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 50, 30 प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये आ गया 50। अब क्वेश्चन नंबर B1, B1, व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार, द मीटर रीड्स 1, 2, 3, 5, 2। वेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर 2 आवर्स द रीडिंग इज 1, 2, 4, 1, 6। ड्यूरिंग जर्नी ही स्टे फॉर 15 मिनट्स एट मिडवे, 15 मिनट्स उसने ऐसे ही बैठा था। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, एवरेज स्पीड स्पीड एवरेज एवरेज स्पीड हो जाएगी, इसको माइनस करके 416 यानी 16 प्लस 48 बाय 2 आर, ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी इसकी स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी के लिए ये यहाँ पे 16 है, 16 प्लस 48, वेलोसिटी एवरेज आ जाएगी 0। क्यों? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। चलो B2, अच्छा क्वेश्चन है। अ पर्सन कवर्स ईच 1/3 ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड V1, V2 एंड V3 रेस्पेक्टिवली, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। एक डिस्टेंस है 3x की, x x x, ये V1 से करता है, ये V2 से और ये V3 से, फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 3x, टोटल टाइम हो गया x बाय V1 प्लस x बाय V2 प्लस x बाय V3। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 3 V1 V2 V3 अपॉन
V1 V3 प्लस V1 V2 प्लस V2 V1 V3 प्लस V1 V2 V1 V2। ठीक है, चलो ये आ गया पूरा फ्रेम में। हाँ चलो, अब एक्सरसाइज वन पार्ट टू में, एक्सरसाइज वन पार्ट टू में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेक्शन है। अ होल ऑफ डायमेंशन 10 × 10 × 10। अ फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर एंड्स अप टू फार्देस्ट कॉर्नर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यार ये तो इजी क्वेश्चन है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे 10 × 10 × 10 दिया, यानी एक क्यूब मान लो, ये क्यूब है, फ्लाई यहां से स्टार्ट करते और यहां पहुंच दिए। तो पहले तो ऐसे मान लो, जैसे ये सबसे नीचे वाला बेस है, इसका निकालेंगे तो ये आएगा 10√2। फिर ये हाइट को निकाल लेंगे तो 10√2 और ये 10, तो ये आ जाएगा 10√3। या फिर बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है क्यूब में वो होती है a√3, ये याद रख लेना। तो a1 का आंसर हो गया b। चलो b1, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम a टू b विद स्पीड एंड रिटर्न्स विद दिस। द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन होल जर्नी इज, चलो डिस्टेंस, डिस्टेंस मान लेते हैं x, ये था a1, ये है B1। तो एवरेज स्पीड तो 2x / x/20 + x/30, इसको सॉल्व कर लेना, x कैंसिल हो जाएगा और स्पीड आ जाएगी। अब पर्सन स्पीड इसकी आएगी कुछ 24, ऑप्शन बी। चलो B2, अ पर्सन ट्रैवलिंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट मूव विद, यार ये तो अपन ने क्लास एग्जांपल्स में किया था तो ये तो मैं नहीं बता रहा वापस। चलो, अ बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ इट्स जर्नी, द नेक्स्ट 1/3 एंड नेक्स्ट। ये भी हमने फॉर्मूला निकाला था B2 में पिछले, उसमें ऐसा कुछ आया 3 × V1 V2 V3 / V1 V2 + V2 V3 + V3 V1, इसमें वैल्यूज डालो आंसर आ जाएगा। अ कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर टेकिंग 62.8 सेकेंड ऑन ईच लेप, वॉट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ कंप्लीटिंग। तो ये B3 था, ये है B4। स्पीड तो 2 × 3.14 × 100 / 62.8, ये हो गया एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी तो हो जाएगी 0। चलो, तो आज का डिस्कशन बस इतना ही, बाकी का अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।